लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने का मामला, घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, लोकबंधु अस्पताल पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी के साथ अधिकारियों की एक पूरी टीम मौजूद रही, साथ ही सरोजी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी सीएम के साथ मौजूद रहे। देखिए, बिल्डिंग का हादसा हुआ, बिल्डिंग गिर गई, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया गया। अब तक जो कैजुअलिटी का आंकड़ा है वो है 8 का, इसमें 28 लोग जख्मी हुए हैं। उन्हीं घायल लोगों से मुलाकात करने के लिए दोनों तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ ये बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद कोशिश और प्राथमिकता इसी चीज़ की थी कि इस मलबे के नीचे अगर कोई सांस फंसी है, कोई जान फंसी है तो उसका तुरंत वहां पर रेस्क्यू किया जाए। NDRF SDRF की टीमें मौके पर मौजूद रही, निगम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, पोकलेन मशीनों से लेकर JCB मशीनों तक, और कई जगहों पर खुद मैनुअली काम करना पड़ा, जहां पर खुदाई की गई, मलबे को हटाया गया। कोशिश ये थी कि आंकड़ा कैजुअलिटीज का कंट्रोल रहे। 8 लोगों की दुखद मृत्यु उस हादसे में हुई है, संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं, मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लोकबंधु अस्पताल पहुंचे, घायलों से बातचीत की, उनके तीमारदारों, उनके परिजनों से बातचीत की, उनको आश्वस्त किया। एक पूरी टीम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद थी, परिजनों से बात की, उनका ढांढस बंधाया, कहा इस दुख की घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है, हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं। जो हादसा रहा वो दुखद था, हुआ क्या वो देखिए। मौत की इमारत थी, भरभराकर गिर गई। शनिवार देर शाम ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ा हादसा हुआ, मलबे से अब तक 8 लोगों की बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं, 28 लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिनको अस्पतालों में भर्ती किया गया है। NDRF SDRF की टीमें अभी भी मौके से हटी नहीं है, मौके से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, 100 से अधिक जवानों को मौके पर लगाया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है। बिल्डिंग की दीवार बीच में रोड़ा बन रही थी, कटर्स मंगवाए गए, जैसे मैंने आपको बताया कटर्स मंगवाए गए। कई लोगों की जेब में मोबाइल फोन्स थे, उनकी लोकेशन से, उस मोबाइल फोन की लोकेशन को ट्रैक किया गया, उनको वहां से निकाला गया। डेड बॉडीज अब तक 8 रिकवर हो चुकी हैं। दूसरी बात ये, लोगों में आक्रोश भी है इस हादसे को लेकर, अब तक 8 लोगों के शव निकाले गए हैं। इसके साथ साथ जांच की बात भी सरकार की तरफ से कही जा रही है कि अलग अलग लेवल्स पर जांच टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, वो ये जानेगी, समझेगी कि मटेरियल किस क्वालिटी का था, प्राइमरी फेसी किन वजहों से हादसा हुआ, इसको समझेगी। दरअसल आपको बताएं, बेसमेंट में काम चल रहा था, निर्माण कार्य के दौरान ये हादसा हो गया। जाहिर सी बात है, 3 मंजिला ये इमारत थी, बेसमेंट में कुछ काम चल रहा था, बारिश का सीजन आप देख ही रहे हैं, तो उस वजह से ये आसान भाषा में समझा जा सकता है कि इतनी मजबूत ये बिल्डिंग थी नहीं, क्योंकि एक तरफ तेज बारिश, दूसरी तरफ बेसमेंट में जहां पर नींव को बहुत मजबूत होना चाहिए था, वहां पर कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से ये इमारत सह नहीं पाई और भरभराकर ढह गई।